गुड मॉर्निंग क्यूट फेसेस, माय सेल्फ नेहा जैन, पीआरटी मैथ्स टीचर फ्रॉम सैन जोसेफ। वेलकम टू सैन जोसेफ यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अवर डिविजिबिलिटी रूल। सो इन योर बुक यू कैन सी डिविजिबिलिटी रूल। सो फर्स्टली हम रूल पढ़ने वाले हैं, रूल ऑफ टू। सो डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या होता है? मतलब हमें ये चेक करना है कि कोई भी एक नंबर है वो टू से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है? तो हमें ये क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करने। सो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, टू का रूल सीखने वाले। सो टू का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, बुक बोलता है इफ द नंबर इज इवन। अगर कोई नंबर इवन है लाइक दैट 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, उसके वंस प्लेस पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन टेक एग्जाम्पल 64। सो वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर, सो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक 32, सो इसके प्लेस पे क्या है, 2 आ रहा है, सो ये 2 से डिविजिबल होगा। 36, 6 आ रहा है, इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 98, सो 8 आ रहा है इसके वंस प्लेस पे, सो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, 2 से डिविजिबल वो होते हैं जिनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि वंस प्लेस क्या हो, इवन होनी चाहिए, तो हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमें देखना है रूल ऑफ 3। सो जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 3 क्या बोलता है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उनका अगर हम सम कर देते हैं, सम करने से मीन दैट मीन, सो जैसे डिविजिबिलिटी रूल मैं 3 सिखा रही हूँ आपको, सो यानी कि कोई भी एक एग्जांपल लिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, आपका क्वेश्चन ई लिया। सो इन सभी डिजिट्स का 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी डिजिट्स को मैंने क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ। सो इन डिजिट्स को सम करने पर अगर वो जो भी नंबर आएगा, अगर वो 3 की टेबल में आता है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। सो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15। सो जब मैंने इन सब डिजिट्स का सम किया, सो वी गेट 15। सो 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से इट डिविजिबल बाय 3। ओके डियर, सो क्या बोला, क्या होता है, द सम ऑफ ऑल डिजिट। सो 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, सम कर देते हैं सभी डिजिट्स का। नाउ रूल 4, रूल ऑफ 4। सो रूल 4 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सो मेरे पास एक एग्जांपल है 1, 3, 4, 1, 6। सो हम इसके क्या कहते हैं, वंस एंड टेंस प्लेस, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है मेरे पास, 16। सो क्या है, 16। सो 16 है, ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट की जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल है, तो वी कैन से इट इज डिविजिबल बाय 4। सो इसके लास्ट में 16 आया, 2 डिजिट 16 आया, सो इट इज डिविजिबल बाय 4। सो ये डिविजिबल है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जी था। ओके, नाउ वी डिस्कस रूल ऑफ 5। अब 5 का रूल क्या बोलता है, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 या 5 हो, है ना, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि 60 आ गया, तो यानी कि वंस प्लेस पे 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अब जैसे 75 ले लिया, तो 5 है वंस प्लेस पे, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 72 है, तो नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 से ही, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ ये कब डिविजिबल होगा 5 से, जब इसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे क्या होगा, वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा, तो ही ये 5 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? सो इट इज द एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन। सो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 5, सो ये इससे डिविजिबल है कि नहीं है, सो यस, ये डिविजिबल है। ओके, सो नाउ वी डिस्कस रूल 6, रूल ऑफ 6। सो 6 का रूल क्या बोलता है, 6 है, 6 का फॉर्मेशन किस किस से हुआ है, 2 × 3 इज 6 ना, सो 6 इज प्रोडक्ट एंड 2 और 3 इज फैक्टर। ओके, सो ऐसा रूल 6 है, वो नंबर सेटिस्फेक्शन होगा
जो कि 2 और 3 से दोनों से होता हो. सो एग्जांपल ले ले 4 2 3 6, ये एक एग्जांपल लिया. ठीक है, अब क्या बोला, जो कि डिविजिबिलिटी रूल 2 को और 3 को दोनों को फॉलो करता हो. तो जो डिविजिबिलिटी 2 का रूल होता है वो बोलता है वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आए तो ये 2 से डिविजिबल होगा, और 3 का बोलता है अगर इन सब का सम कर देते हैं और 3 की टेबल में आता है तो वो होगा. ठीक है, सो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करें इसकी. सो 2 से डिविजिबिलिटी है वंस प्लेस पे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है. अब 3 से करें, सो 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, सो 4 प्लस 2 6, 6 6 12, 12 प्लस 3 15, सो 15 3 की टेबल से डिविजिबल है. सो ये भी सेम डिविजिबल होगा. सो क्या बोलता है 6, अगर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी से रूल से अगर कोई नंबर सेटिस्फेक्शन कर रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ टैक रूल नंबर 9. सो आपके 8 7 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है. जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे, 6 में आ जाएंगे, तब आपके नेक्स्ट जो रूल है यानी कि 8 और 7 का वो भी आएगा. ठीक है, सो अब हम बात कर रहे हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल 9 की. सो 9 का भी क्या है, 9 वाला भी जो रूल है वो भी बिल्कुल 3 वाला रूल है. सो यानी कि कोई भी नंबर उनका सम करते हैं, अगर वो 9 की टेबल में आता है तो वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा. जैसे कि हमने बोला ना 3 के लिए कि जो नंबर का सम क्या होगा 9 प्लस 7 प्लस 9, तो जो इसकी टेबल में अगर आता है सम वो आया तो वो इससे डिविजिबल होगा. तो सेम टू सेम हमें बोला है कि 9 का भी सेम टू सेम होता है 3 के जैसा. सो इन सभी का हम सम कर देंगे. अगर सम करने पर क्या आएगा देखते हैं, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 इज 30. सो 30 आता है क्या 9 की टेबल में, नहीं ना, सो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा. ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ता है अलग अलग. सो अब देखो 1 0 0 0 0 8, सो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, सो क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 इज 9. सो 9 आता है 9 टेबल में, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 9. आई होप यू अंडरस्टूड. सो लेट्स द रूल ऑफ 10. सो जो 10 का रूल है वो क्या बोलता है, सबसे इजी है ये तो, कि जिसके वंस प्लेस पे अगर जीरो, सिर्फ वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए जीरो, तो ये 10 से डिविजिबल हो गया. यानी कि अगर 60 तो यस, 50, 200, मतलब लास्ट जो प्लेस है यानी कि वंस प्लेसेस पे क्या होना चाहिए जीरो, तो ये क्या है यस. ठीक है, सो लास्ट इज रूल नंबर, रूल ऑफ 15. सो 15 किस किस से मिलकर बना हुआ है, 3 की तरह, 3 × 5. सो ऐसा रूल जो कि 3 को भी सेटिस्फाइड करे और 5 को भी सेटिस्फाइड करे ऐसा नंबर. सो वी आर टैकिंग दिस नंबर. ठीक है, सो ये देखना है कि ये इसको सेटिस्फेक्शन करता है कि नहीं करता है. ठीक है, अगर इसको सेटिस्फेक्शन नहीं करता है तो 3 और 5 से नहीं होता है तो ये क्या होगा, इससे डिविजिबल नहीं होगा. अगर ये इसको कंप्लीट टाइम डिविजिबल कर देता है तो ये इससे डिविजिबल होगा. सो 3 से चेक करें. सो 3 से चेक करने के लिए 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4 12. ठीक है, सो ये 3 की टेबल में आता है यस और नॉट, यस. सो यस. अब 5 के लिए चेक करें. सो 5 के लिए क्या बोलते हैं, वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 होता है तो यस, सो इसके वंस प्लेस पे 0 है सो ये भी यस. सो ये क्या है, डिविजिबल होगा 15 से, यस और नॉट, यस. अब 12 से चेक करना है. सो 12 से कैसे चेक करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल को, 4 और 3, 12 किस किस से मैच है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 4 के रूल को और 3 के रूल को सेटिस्फेक्शन करता हो, यानी कि 6 7 5 9. सो क्या करने वाले, 4 का रूल क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना. सो अब क्या करने वाले हम, इसको चेक कर लें कि सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है. सो 59 59 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, सो ये 4 से नहीं हो रहा. अब जब 4 से नहीं हो रहा तो 5 फिर हम क्या करेंगे, 3 से चेक करके क्या करेंगे, जब 4 से नहीं हो रहा तो यानी कि ये हमारा डायरेक्ट आंसर, हम वी कैन राइट नो. नाउ 36,
सो 36 तो बहुत बड़ा हो गया, सो 36 को आप फैक्टर कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? 9 4 जा 36, सो 18864, सो 36 से करना है इसको, सो 36 9 into 4, सो हम किस किस का रूल जानते हैं, 9 का भी जानते हैं, बाय 36 से चेक करना है। सो 9 का क्या बोलता है, इन सबका ऐड कर दो, अगर 1 + 8 + 8 + 6 + 4, ठीक है, तो 8 8 = 16, ठीक है, 16 + 4 = 20, 20 26 27, सो कितना आएगा 27, सो ये 9 को तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब 4 के लिए लास्ट टू डिजिट 64 64 4 के टेबल में आता है, सो यस इट इज सेटिस्फेक्शन बाय 36, अंडरस्टूड और नॉट? यस। नेक्स्ट इज 30, 30 से डिविजिबिलिटी रूल हमें शो करना है, सो कैसे करेंगे? 30 30 किस किस का फॉर्मेशन है, 10 into 3, यस, सो 10 के में 10 वाले के लिए देखें तो ये वंस प्लेस पे 0 है तो ये इसको फॉलो कर रहा है, यस। 3 के लिए देखें तो 3 के लिए क्या आएगा, 4 + 0 + 0 + 0, सो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, सो नो, सो आंसर इज नो। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? यस। सो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इज कंप्लीट, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर होमवर्क। सो द टेबल गिवन ब्लो शो द नंबर ऑफ पेंसिल इन डिफरेंट बॉक्स, सो बॉक्स ए में 270 पेंसिल्स है, बी में 255, सी में 144, डी में 220 पेंसिल्स है, सो बिंदु बॉयज ऑल पेंसिल फ्रॉम द बॉक्स, सो बिंदु ने क्या करी, सारी पेंसिल्स बॉय कर ली। वेयर नंबर ऑफ पेंसिल इज डिविजिबल बाय 2 3 5 6 and 9 and 10, सो आपको इन सभी का क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि 2 3 5 6 and 9 10 से डिविजिबल है कि नहीं, विच बॉक्स इज इट, ऐसा कौन सा बॉक्स है जो कि कंप्लीटली इन सब से डिविजिबल हो रहा है। सो देखो 2 से ये हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 से भी हो जाएगा, 4 क्या होता है 70, 4 नहीं दिया हमारा इसमें, 5 दिया हुआ है, 5 का क्या होता है 0 या 5 आ जाए, तो 5 से भी कर रहा है 6, 6 से क्या हो रहा है, अगर 2 और 3 से है तो 6 से भी हो रहा है, 9 3 से तो 27, 9 आ रहा है इनका प्लस 2 + 7 किया तो 9 आ रहा है, सो 9 के डबल में ये आता है, और 10 के लिए भी सेटिस्फेक्शन कर रहा है बिकॉज लास्ट नंबर इज डिजिट, सो ये बॉक्स ए, बॉक्स ए ऐसा है जो कि कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो रहा है सब बॉक्स ए, ओके। विच ऑफ द बॉक्स कंटेन पेंसिल हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and by 3, ऐसा कौन सा बॉक्स है जो कि 5 से और 3 से डिविजिबल हो रहा है, सो 5 से और 3 से, तो एक तो बॉक्स ए भी हो रहा है, ठीक है, सो वी कैन राइट बॉक्स ए, एंड और भी चेक कर ले, सो 5 से ये भी हो सकता है ना, सो चेक करें 5 बिकॉज अब देखो 3 से भी चेक करना है, 5 5 10 + 12, सो बॉक्स बी, सो 2 + 5 + 5, ये 5 से भी हो रहा है और ये कितना है 12, सो 3 से भी हो रहा है, सो बॉक्स है एंड बॉक्स बी, अंडरस्टूड और नॉट? यस। सलमा वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 123 टॉफीज इक्वली अमोंग 15 ऑफ हर फ्रेंड्स, सो 100 टोटल टॉफीज कितनी है 128, सो वो जो सलमा है वो अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, यूज द डिविजिबिलिटी रूल एंड चेक वेदर शी विल बी एबल टू डू सो, सो हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करना है, ठीक है, सो वो किससे कर पाएगी, सो ये क्या करना है, आपको खुद से चेक करना है एंड गिव मी आंसर द नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 10, कैन यू गेस द वैल्यू ऑफ, अब देखो क्या बोला है 5 4 1 0 0 2, आगे क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया, ठीक है, सो आपसे बोला है कैसा नंबर आपको फाइंड करना है कि जो 5 से और 3 5 से और 10 से दोनों से डिविजिबल हो जाए, सो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट में 0 और 5 हो, ठीक है, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सिर्फ 0 हो, तो ऐसा कौन सा नंबर लगा दूं कि मैं इसके आगे, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूंगी तो 10 से हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा, सो स्टार की जगह कौन सा नंबर ऐड करेंगे हम, 0, सो इट इज अवर
exercise is finished now, so do practice and learn divisibility rule for your exercise. Thank you for watching. We meet in next class with new chapter. Thank you for watching.